दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं सैमसंग QLED टीवी के बारे में। दोस्तों सैमसंग कंपनी ने Q60C लॉन्च कर दिया है। सैमसंग कंपनी का ये बेहतरीन प्रोडक्ट आपके घर तक आने से पहले आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। हम इस वीडियो में सैमसंग कंपनी के Q60C LED टीवी की जरूरी फीचर्स के बारे में चर्चा करेंगे और आपको डिटेल में जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों, माया चैनल सुर मंदिर इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। मेरी चैनल पर हम आपके लिए खास चुनिंदा इलेक्ट्रॉनिक सामान, नई टेक्नोलॉजीज, मोबाइल और DTH की खास जानकारी मिलती है। तो दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे सुर मंदिर परिवार का हिस्सा अवश्य बने। दोस्तों इस वीडियो में सस्ता कभी अच्छा नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखकर बेस्ट कंपनीज का चुनाव किया है। और दोस्तों हमारा व्हाट्सएप चैनल ग्रुप ज्वाइन जरूर करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। चलिए दोस्तों वीडियो की जल्दी से शुरुआत करते हैं और सैमसंग कंपनी का यह जबरदस्त टीवी आपको कौन से फीचर्स के साथ मिलने वाला है जान लेते हैं। चलिए दोस्तों इसके लुक्स के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। तो लुक्स दोस्तों बिल्कुल ना के बराबर बेजल्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। सैमसंग इसे कहता है स्लिम बैजर लेस डिजाइन। नीचे की तरफ आपको सैमसंग कंपनी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और वहां पर थोड़ी सी आपको बेजल्स देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल ये प्लास्टिक बॉडी से बना टीवी है, लेकिन सैमसंग कभी क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं करता। इस टीवी को आप टेबल माउंट भी कर सकते हैं और दीवार के लिए भी एक अलग से स्टैंड दिया जाता है। सारी कनेक्टिविटी के ऑप्शन आपको टीवी के बिल्कुल पीछे देखने को मिल जाएंगे। कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, 1 ऑप्टिकल पोर्ट और ब्लूटूथ 5.1 एंड ड्यूअल बैंड वाईफाई का भी सपोर्ट मिल जाएगा। इसके रिमोट कंट्रोल की बात करते हैं तो सोलर सिस्टम पर चार्ज होने वाला रिमोट मिलता है और साथ में गूगल वॉइस कमांड के साथ आपको होट की भी देखने को मिल जाएगी, जिसमें Amazon प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, सोनी लिव मूवी नाउ जैसे बटन ऊपर ही देखने को मिल जाएंगे। इस टीवी में आपको बेस्ट कंपनीज का भरोसा और बेहतर से बेहतर पिक्चर क्वालिटी एंड कलर्स मिलते हैं और साथ में लॉन्ग टाइम चलने का भरोसा भी मिलता है। टीवी के व्यूइंग एंगल की जब बात करते हैं तो आपको बिल्कुल किसी भी कोने पे से देखने पर कलर्स में कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। अभी दोस्तों हम इसके पैनल के बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही तो मेन चीज है पैनल। सैमसंग कंपनी की पैनल अच्छी आती है, इसीलिए तो हम इस कंपनी का टीवी खरीदते हैं। सैमसंग कंपनी ये टीवीज में 8-bit FRC VA डिलीट पैनल उपयोग करता है, इसलिए इस टीवी में ब्लैक सबसे बेस्ट नजर आते हैं। ये टीवी में 100% कलर्स वॉल्यूम विद क्वांटम डॉट फिल्टर टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके कलर्स को और पिक्चर क्वालिटी को बेहतर से बेहतर किया गया है। इस टीवी को न्यू जनरेशन का टीवी बोल सकते हैं। ये टीवी IPS पैनल टेक्नोलॉजीज के साथ बनाया गया है, जो सबसे मजबूत डिस्प्ले मानी जाती है। तो दोस्तों इस टीवी को आप खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डालकर रखा है। अगर आप इस टीवी को खरीदना चाहते हैं तो यह भी खरीद सकते हैं। और इससे बेहतर दोस्तों दो और टीवी के भी लिंक डालें, जो LG और सोनी कंपनी के QLED टीवी है। इन कंपनियों को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि यह भी बेस्ट QLED टीवी बनाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सभी जरूरी जानकारी दी है, कोई भी फिजूल का वीडियो लंबा नहीं किया है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।